हेलो फ्रेंड, कैसे हो? टेक्निकल हेल्प रोजगार फिर से आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज वीडियो में कुछ अलग होने वाला है और इस वीडियो को बनाने का टारगेट सिर्फ और सिर्फ एक है कि आप लोगों को जो पैसों से बचाया जाए, मतलब कि आपके कोई भी आपसे फालतू पैसे नहीं ले। इसी वजह से इस वीडियो को जो बनाने का मेरा टारगेट सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपसे कोई फालतू पैसे नहीं ले और एक वाजिब दाम के अंदर आपको एक अच्छी क्वालिटी की चीज मिले इलेक्ट्रॉनिक के अंदर। इसी उद्देश्य से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो ये मेरे पास वीवो का मोबाइल है, Y55 है और इसके आज जो है मैं बैटरी डालने वाला हूँ और आपको एक मतलब बताने वाला हूँ कि बैटरी क्या होती है और किस तरीके से जो क्या क्या बैटरी के अंदर क्वालिटी आती है, आपसे कितने पैसे लिए जाते हैं और इसकी जो वाजिब कॉस्ट है जो वो क्या होने चाहिए, यानी कि जो इसकी सही दाम है वो क्या होने चाहिए। तो ये मेरे पास एक बैटरी है, ये कि मैं नहीं कहता कि मेड इन इंडिया, ये आउजा की है और ये जो है मेड इन चाइना ही है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना की हुई है और ये चाइना से अभी भी कुछ लोग कहते माल नहीं आता, लेकिन अभी भी चाइना से माल आ रहा है और ये मैं शॉप से लेकर आया हूँ। मैं दिन में भी वीडियो बना सकता था, अभी नाइट में बना रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए बना रहा हूँ। तो मैं अभी इस बैटरी को निकालता हूँ और निकालने के बाद आपको दिखाता हूँ कि इसकी किस तरीके की क्वालिटी है और इसकी कॉस्ट क्या है और आपको इसके कितने रुपए पे करने पड़ते हैं और आपसे मार्केट में इसके कितने रुपए लिए जाते हैं। तो यहाँ पर मेरी कल परसों एक बंदे से बात हुई थी मैसेंजर पे, तो वो क्या है सर्विस सेंटर बैटरी डलवा के लाया और उसको जो एक लोकल बैटरी दी गई और उससे कॉस्ट पता है कितनी ली गई, उससे रुपए ले गए 1600 रुपये, 3 मंथ की वारंटी ली गई थी। हालांकि ऐसी कोई बैटरी नहीं है जिसकी वारंटी 3 मंथ की आती हो, कोई भी बैटरी नहीं है। बैटरी की वारंटी 3 मंथ की आएगी तो उसके ऊपर स्पेशल लिखा होगा कि हाँ इसकी जो वारंटी है वो 3 मंथ की है। यदि लिखा हुआ नहीं है इसका मतलब वो ये है कि इस बैटरी की वारंटी 8 महीने की है, लेकिन कस्टमर को जो 6 महीने की वारंटी ही दी जाती है। मेरे पास ये बैटरी है, इसकी मेरे जो शॉप जो यानी कि काउंटर रिप्लेसमेंट इसकी 8 महीने की है, लेकिन कस्टमर को इसकी जो 6 महीने की रिप्लेसमेंट दी जाती है। तो जो बैटरी वो 1600 रुपये वो डलवा के लाया था, उस बैटरी की कॉस्ट थी मात्र 250 रुपये, 250 रुपये थी और कस्टमर को 400 या 450 रुपये की बैटरी मिल जाती। अभी ये जो बैटरी देख रहे हो ये ओजी क्वालिटी की है, यानी कि इसकी क्वालिटी बिंदास, तो एकदम मस्त क्वालिटी है, तकड़ी वाली क्वालिटी की बैटरी। इसका सेल जो है अभी आपको देखने में ये लग रहा होगा कि एक चीप क्वालिटी की बैटरी नहीं है, एक प्रीमियम क्वालिटी की बैटरी है और इसकी कॉस्ट 100 या 450 रुपये। और यदि आप इस बैटरी को कस्टमर से या कहीं से भी डलवाते हो तो आपसे लिए जाते 800-900 रुपये, लेकिन वाजिब पैसे इसके होने चाहिए 450, यानी कि 600 या 500 रुपये के अंदर, 600 रुपये वाजिब है, 600 रुपये के अंदर ये बैटरी कस्टमर को दे देनी चाहिए। अभी मैं इसको लगाता हूँ और लगाने के बाद दिखाता हूँ कि इसकी क्वालिटी एकदम बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी है, जिससे आपके सर्विस सेंटर में ऐसी ही बैटरी डाली जाती है और आपसे 1600-1650-2000 रुपये तक लिए जाते हैं। तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। आउजा की बैटरी है, वन ऑफ द बेस्ट बैटरी है आज के टाइम की और इसकी 6 मंथ की वारंटी है। आप कोई भी वारंटी की बैटरी लेते हो तो उसकी 6 मंथ की ही वारंटी आती है, गारंटी आती है, वारंटी नहीं आती है, 6 मंथ की इसकी रिप्लेसमेंट आती है और इसकी क्वालिटी एकदम बिंदास्त होती है। आई होप फ्रेंड आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो बनाने का क्या उद्देश्य था। तो आपको कुछ नया जरूर इस वीडियो से जानने को मिला होगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।